आप शुरू कीजिए। इसमें मेरे साथ होला होंगी, यानी प्रैक्टिस करके हम दोनों दिखा देते हैं, फिर उसके बाद जी ठीक है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं बस थोड़ा सा कि इसमें क्या है, और उसके बाद फिर आप दोनों प्रैक्टिस कर लें, तो इंशाल्लाह ग्रुप बना देंगे। ठीक है, इसमें जो बातें हमने सीखी हैं ऊपर वही बातें हैं, वही प्रैक्टिसेस हैं। ये जो तदरीब अव्वल है इसमें अपना तारुफ है, इस्मी फातिमा अना मिस्रिया अना मिन मिस्र, अपनी नेशनलिटी बताई गई है अना मिस्रिया और अना मिन मिस्र, कंट्री नेम बताया रहा है कि मैं मिस्र से हूँ। फिर जो सेकंड पर्सन है वो कहेगा अहलन व सहलन, ठीक है, सारे इसी तरह जो है ना सब आगे चलेंगे। एक मैं और होला करके दिखाते हैं। इस्मी महमूद अना तुर्की अना मिन तुर्किया, अना सूरिया अना मिन सूरिया, अहलन व सहलन, ठीक है। इस तरीके से हम ये प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, ब्रेकआउट रूम्स में जो हमने पिछले लेसन पढ़े हैं उन्हीं वही सारी चीजें रिपीट हो रही हैं। उम्मीद है कि आज के आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और हम जो चीजें हैं यानी जो हमने लर्न की हैं वो सब इंशाल्लाह वापस दोबारा से रिपीट होंगी, ठीक है। जी सर, कुछ और पूछना चाह रहे हैं? आप सारे लेसन थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना। हादा अफी हुआ मुदर्रिस, तो ये मेरे भाई है, हमने पहले भी किया किसी की दुकान नहीं, नहीं, नहीं ये वाला पेज नहीं है, ये वाला पेज है, हाँ ये वाला पेज है, ये देखिए तदरीबुल खामिस इस्मी मोहम्मद, अपना नेम बताना है फिर आगे पूछना है, मस्मूका इस्मी मैरिया मस्मूकी। जी हौला आप जवाब देंगे। اسمي خولة. Next है أنا من تركيا. من أين أنت؟ أنا من باكستان. من أين أنت؟ يعني उसे फिर next वाले को पूछना है। जी next वाला आगे जवाब देगा, वो अगले next वाले से पूछेगा من أين أنت अपने बारे में बताएगा। यानी इसमें सब के सब शामिल होंगे जो एक breakout room में लोग होंगे, दो दो लोग नहीं होंगे इस वाली exercise में, सब लोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर पूरी कन्वर्सेशन है ये वाली, अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, कैफ हालुक, بخير والحمد لله, माजिद मारिया, सॉरी मारिया, अगर मैं स्क्रीन शेयर कर दूं क्योंकि ये स्क्रीन ना बहुत ही छोटी नजर आ रही है। जी जी आप शेयर कर दें, मैं दरअसल बाहर हूँ और मोबाइल पर हूँ। अच्छा ठीक है, मैं शेयर करती हूँ, वन मिनट में इसको कैंसिल करती हूँ यहाँ से। जी मारिया यहाँ पर है आप खोला? जी इससे नीचे वाली। अच्छा ये एक जो मारिया ने जो शेयर एक की थी स्लाइड, जिसको मारिया ने ऑलरेडी बता दिया था, तो वो भी अगर एक दफा आप यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दें वो वाला पेज कौन सा है। इसे इसे पीछे अभी हम आप आगे चलेंगे, हाँ बस यहाँ पर, हाँ इससे ऊपर वाली जो मिसाल है जो पेज मैंने वहाँ पर शेयर किया ना ग्रुप में, सिर्फ वही हम करेंगे 17 18 19 और ऊपर वाला 13 अगर किसी ने नहीं किया होगा तो। अब 17 पे चले जाएं क्योंकि वो हाजा आखिरी वाले हम कर चुके हैं पिछली दफा। अच्छा ये वाली हमने, जी ठीक है, यहाँ पर, हाँ जी हाँ जी यहाँ पर है जी, ठीक है जी, चलें स्टार्ट करें दोबारा। जी अस्सलामु अलैकुम, कैसा हाल हो? بخير والحمد لله, ما جنسيتك؟ أنا باكستاني, أهلا وسهلا. اس پہ ہم نے جو چینج کرنا ہے وہ
जो वहां पर फीमेल आएगी वहां पर कैसा है लुकी, नेक्स्ट वाला भी कर लेते हैं तुर्किया वाला। तो आप सलाम करें, आप स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। كيف حالك؟ بخير والحمد لله. ما جنسيتك؟ أنا تركية. أهلا وسهلا. حاضر. اور سم ऐसे ही करेंगे। चलिए ये वाली कन्वर्सेशन देख कर लेते हैं। ठीक है। ما اسمك؟ اسمي إقبال. من أين أنت؟ أنا من باكستان. هل أنت باكستاني؟ نعم أنا باكستاني. أهلا وسهلا. इसमें सेम वही चीज हम सीख रहे हैं कि कंट्री नेम और जो नेशनलिटी है वो अलग अलग है। जब हम कंट्री नेम का कंट्री नेम लेंगे तो हम मिन लगाएंगे, और जब कंट्री नेम नहीं होगा नेशनलिटी बता रहे हैं तो फिर जिस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है अना तुर्की अना पाकिस्तानी ये सब होगा। मारिया थोड़ा सा ये मैं क्लेरिफिकेशन चाहूंगी, जैसे कि अगर मैं फीमेल हूँ मैं कहती हूँ नाम अना पाकिस्तानी बोलूंगी या नाना पाकिस्तानी बोलूंगी? नहीं नहीं फीमेल बोलेंगी अना पाकिस्तानी या कोई भी नेशनलिटी के आगे गोलता लग जाएगी या ठीक है तामर बूता जो है इट इज अकल। चले अब हम जो है ब्रेकआउट रूम्स में जाएंगे। जी आपका जो है वो खत्म हो गया ना? हाँ जी बिल्कुल खत्म हो गया, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जी 17 18 और 19 की प्रैक्टिस करेंगे। ये बात समझ में नहीं, दोबारा बताएं क्या कह रही हैं? ब्रेकआउट रूम में हम कौन कौन से पेजेस की प्रैक्टिस करेंगे? 17 18 और 19। ठीक है अना तालिब ये जो है वो मेल के लिए है और अना तालिबा जो है वो फीमेल कहेंगे, और तालिब जो है वो स्टूडेंट है। अना मुदर्रिस इज फॉर मेल, आई एम टीचर, और अना मुदर्रिसा इज फीमेल टीचर। तो ये इसी तरह से हम करेंगे। फिर अंता तालिब ही ये जो है वो तालिब है। No, anta means you, है ना? जी anta तुम, जी है बिल्कुल। So you are student, you are mudarris, और फिर वो हुआ is for he। तो ये इसी तरह से ही है सारा प्रैक्टिस। तो किस तरह से इसको प्रैक्टिस करना है, बस ऐसे ही पढ़ लेना है मेरे ख्याल में? तो हाँ शायद एक एक साथी जो है वो इसको पढ़े, और तीनों जो ये अना अंता और हुआ के साथ आपने अनशेयर कर दिया शायद। जी सॉरी मेरी गलती से। जी जी ठीक है, तो इस तरह से फिर कर लेते हैं। ये हल का भी है इसमें, और हाजा और हाजे ही। तो हम लोग सात लोग हैं तो इसको कर लेते हैं। जी मैं शुरू करूं इससे पहले से? जी 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 आप शुरू। अना तालिब, अना मुदर्रिस, अना तबीब, अना मिस्री, अना तुर्की, अना सूरी। अंत तालिब, अंत मुदर्रिस, अंत तबीब,
अंता मिस्री, अंता तुर्की, अंता सूरी, हुआ तालिब, हुआ मुदर्रिस, हुआ तबीब, हुआ मिस्री, हुआ तुर्की, हुआ सूरी। ये मेल के लिए जो है वो मैंने तीनों पढ़े हैं जो है वो। अब फीमेल के लिए कोई और कर ले जो है ख्वातीन में से। मैं कर लूं सर? जी जी कीजिए जी। हाँ, अना तालिबा, अना मुदर्रिसा, अना तबीबा, अना मिस्रिया, अना तुर्किया, अना सूरिया, अंता तालिबा, अंता मुदर्रिसा, अंती सॉरी सॉरी अंती तालिबा, अंती मुदर्रिसा, अंती तबीबा, अंती मिस्रिया, अंती तुर्किया, अंती सूरिया, या तालिबा, या मुदर्रिसा, या तबीबा, या मिस्रिया, या तुर्किया, या सूरिया। अब आगे जो है ना ये आई थिंक इस तरह से एक मिन आईना अंता तो कुछ दूसरा जो जी अरूज फातिमा और हुदा फाहद आप जवाब दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिन आईना अंता, मिन आईना अंती, मिन आईना हुआ, मिन नहीं आप वेट करें ना आगे जवाब भी है तो अगर आप पूछती हैं मिन आईना अंता तो कोई और जवाब दे देगा। ये शैला मेरे साथ शैला है ये करेंगी। जय जय ठीक है चलें ठीक है जी तीन मिन आईना अंती अंती पाकिस्तान पाकिस्तानी मिन पाकिस्तानी ऐसे ही करना है नहीं अंती मिन पाकिस्तान होगा ना। ओके हाँ अंती मिन पाकिस्तान लेकिन उन्होंने तो पूछा है ना कि मिन आईना अंता आप कहाँ से हैं तो ये तो नहीं कहेंगे ना कि आप पाकिस्तान से हैं आप तुर्की से हैं उसमें तो कहेंगे मैं पाकिस्तान से हूँ जवाब अना पाकिस्तानिया ठीक है अना मिन पाकिस्तान आएगा ना क्यों अना पाकिस्तानिया होगा मिन नहीं आएगा नहीं इसमें देखिए आगे जवाब लिखा हुआ है अना मिन पाकिस्तान अना मिन पाकिस्तान पाकिस्तान लिखा है जी। अच्छा इसके थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर देंगे स्क्रीन को नीचे की कुछ लाइन नजर नहीं आ रही थोड़ा सा जी जी एक सेकंड जी जी अब हो गया क्लियर है जी आगे नीचे आ रही नहीं देखिए मिन आईना अंता जो है ना ये वैसे भी मेल के लिए है ना जी तो और ये मिन आईना अंता का मतलब है वेयर आर यू फ्रॉम तो इसका जवाब अना मिन पाकिस्तान होगा ना फिर हाँ लेकिन आई थिंक ये ख्वातीन जो करती हैं प्रैक्टिस वो आई थिंक अपना जेंडर जो है वो उसके मुताबिक ही करती हैं तो आई थिंक ठीक है उनको चेंज करने दें जो मेरा तो मशवरा ये नहीं लेकिन वो सवाल का जवाब गलत हो जाएगा। अच्छा अगर हम सवाल पूछ रहे हैं कि अगर हम सवाल पूछ रहे हैं वेयर आर यू फ्रॉम और मैं जवाब दूं आई एम पाकिस्तानी अगर हम कहें ना अना पाकिस्तानिया मींस आई एम पाकिस्तानी हो जाएगा ना तो लेकिन सवाल तो है वेयर आर यू फ्रॉम ये इसके नेक्स्ट वाले में है जो आपके जो जो ये लोग अभी जवाब दे रहे हैं वो इसके नेक्स्ट वाले इसमें है वो नेक्स्ट वाले में हाल नहीं आएगा इसमें पाकिस्तान पाकिस्तान या मिन तुर्किया इस तरह ही yeah. और मिस्र सूरिया जी नहीं मैं कह रहा हूँ कि सवाल करें तो वो सामने वाले का जेंडर देखते हुए इसको मिन आईना अंती कर दें जो है वो ये मैं कह रहा हूँ बस ये मेरे ख्याल में पहला जैसे मिन आईना अंता है तो वो होगा अना पाकिस्तान इसी तरह बस कर लें प्रैक्टिस जैसे मेरे ख्याल में ठीक है ना चलें फिर अगला अच्छा दोनों दिए हैं ना इसमें मिन आईना अंता भी है मिन आईना अंती भी है सेकंड वाले और फिर हुआ भी है और किया भी है आप ये देखिए ना मिन आईना अंती तो अगर हम सेकंड वाले में जाएं तो वो कह रहा है अंता मिन तुर्की जी जी लेकिन
लेकिन सबको समझ आ गई है ना ये यूज कैसे होगा, तो मेरे ख्याल में ठीक है, तो हल अंता पे चले जाते हैं फिर। जी कौन करेगा हल अंता वाला? चले मोइना, हल अंता पाकिस्तानी, हल अंता तुर्की, हल अंता मिस्री, हल अंता सूरी। इसमें भी दो लोग आएंगे मेरे ख्याल में। जी 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 मेरे ख्याल में हल अंता पाकिस्तानी का होगा नाम अना पाकिस्तानी। ये मैं ही बोलूंगी या कोई और बोलेगा मेरे साथ? कोई और बोले, मतलब ये कॉन्वर्सेशन हो जाएगी तो कोई और बोल ले बेशक। मैं बोल दूं सर? जी जी बिल्कुल। हल अंता पाकिस्तानी, नाम अना पाकिस्तानी। हल अंता तुर्की, नाम अना तुर्की। हल अंता मिस्री, नाम अना मिस्री। हल अंता सूरी, नाम अना सूरी। हल अंती पाकिस्तानिया, नाम अना पाकिस्तानी। हल अंती तुर्किया, नाम अना तुर्किया। हल अंती मिस्रिया, नाम अना मिस्रिया। हल अंती सूरिया, नाम अना सूरिया। अगला भी पढ़ूं? अगला है, नहीं अब कोई और कर ले बेशक। अगला है ना हाजा अखी, सबको पता है ना अखी क्या होता है और हाजा का मतलब भी क्या है? तो स्क्रॉल उतरा ऊपर कर दें। मैं कर दे। हाजा वो भाई है। दिस इज माय ब्रदर। जी और हाजा जो है वो मेल्स के लिए इस्तेमाल होता है और हाजी ही जो है वो फीमेल्स के लिए। ठीक है, तो अखी जो है वो माय ब्रदर, सिद्दीकी माय फ्रेंड, उख्ती माय सिस्टर, सिद्दीकती माय फीमेल फ्रेंड हो गया। तो ये है ना? जी तो पहले मतलब एक मैं पूछ लेती हूँ, मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। समझ लें कि ये मेरा ये। और हाजी ही मतलब ये मेरी। अच्छा ठीक है। हाजा मींस आई थिंक वो होता है ना सिर्फ दिस 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 जी दिस ये फीमेल ये मेल। ठीक है तो एक्सरसाइज तो नहीं लग रही मुझे, तो ऐसा लग रहा है कि एक तो एक्सरसाइज ही इसमी में वो हाजा अखी इसमी खालिद और फिर हाजा सिद्दीकी और इसमी खलील, हाजे ही उख्ती इसमी खौला, हाजे ही सदीकती इसमी खतीजा। तो ये बस इतनी है, मैं आगे करूं स्क्रॉल? जी जी बिल्कुल, पेज 17 पे मेरे ख्याल में हम मूव कर जाते हैं। अच्छा ये जो है मारिया ने भेज दिया था हमें। एक मिनट, मेरा एक सवाल है। जी जी मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस्मी जो है इस्मी के अंदर आखिर में जो ये है तो ये तो मेरा के लिए इस्तेमाल होता है ना, तो इस्मी का तो मतलब हुआ कि मेरा नाम। जी जी बिल्कुल। तो ये हाजा आखी इस्मी खालिद मतलब ये आखी जो है वो बात कर रहा है? नहीं ये आखी नहीं, अच्छा ये जैसे हम बोल रहे हैं कि हाजा आखी ये मेरा भाई है और फिर जो भाई है वो बता रहा है कि इस्मी खालिद। जी 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 ऐसे ही है, ये ऊपर ना एक एक्सरसाइज थी उसके अंदर वो ऐसे ही थी जो थी कॉन्वर्सेशन। ठीक है ठीक है ठीक, जजाक। वो अगर आप पीछे से ऊपर स्क्रोल करेंगे ना वहां पे ऐसे ही है ये एक्सरसाइज। सही, अच्छा ये मारिया ने एक्सप्लेन कर दिया था, इसको हम प्रैक्टिस करेंगे और ये है अगला। अच्छा ये है इस तमा मींस लिसनिंग,
आगे अब ये कोई पढ़ सकता है कि क्या कह रहे हैं भाई? आई थिंक जो है वो किसी ने पढ़ना है और फिर ये बताना है कि ठीक है या गलत, मुझे जो समझ में आ रहा है जो है। मुझे लगता है ये जो इसके साथ किताब के साथ सीडी आती है वहां से शायद सुनकर टिक करना है एक एक उसमें, लेकिन हम वैसे ही कर लेते हैं। इसमें से कौन तालिब इल्म है? मेरे ख्याल से इसमें ना सिलेक्शन होगा, जैसे इन्होंने लिखा है ना महमूद के नीचे तुर्की है एंड तुर्किया है, तो व्हिच इज द राइट वर्ड, तो हमें ये सिलेक्ट करना है कि अगर महमूद है तो वो तुर्किया है, अगर खदीजा है तो वो सूरिया है। ये पिक्चर के नीचे लिखा हुआ है ना इस्मी फातिमा अना मिस्रिया के नीचे, आप इसी पिक्चर की बात कर रहे हैं ना आप लोग? जी लेकिन हमें सिर्फ पिक्चर्स नजर आ रही हैं आयशा जो है वो। ये मैं हमने लिखा हुआ यानी अच्छा आप ये जो पेज शेयर कर रही है ना ये हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं आया हुआ, एक्चुअली मेरी ना आई साइड बहुत वीक है तो मैंने ना इसको अपने व्हाट्सएप पेज पे। अच्छा ये इसमें फातिमा वाला होगा ना आपके पास? जी 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 हाँ, वो मुझे लगता है वो जो सीडी आती है ना बुक के साथ, एक्चुअली मैं उसमें लिसनिंग करके तो यहाँ से टिक करने हैं, तो ठीक है चले हम ये वाला कर लेते हैं। इस्मी फातिमा अना मिस्री है, ठीक है तो कोई इसकी प्रैक्टिस कर ले। अब जिसने अब तक नहीं किया उनको दावत दे दें। रूही साहिब है मेरे ख्याल में। सर मैंने किया है लेकिन मैं कर सकती हूँ ये वाला, लेकिन ना मैंने वैसे प्रैक्टिस की है। ठीक है तो हम लोग कम लोग हैं मेरे ख्याल में, पांच कितने हैं, चार लोग हैं, पांच लोग हैं हम लोग, ठीक है जो अरूज फातिमा और खुदा साहिब है वो कर लेना प्रैक्टिस। इब्राहिम खुदा फहद पढ़ नहीं सकती है, उनको बताना होता है और अच्छा वो भाग चुकी है अभी तक। अच्छा तो अरूज तो मेरे साथ कोई और अगर कर ले तो ठीक है जी, शेयर कर लेंगे इंशाल्लाह मुइना साहब। साहब इस्मी फातिमा अना मिस्रिया अना मिन मिस्र अहलन व सहलन। सेकंड को जवाब दो। अहलन व सहलन। अगला मैं करूं महमूद वाला। इस्मी महमूद अना तुर्की अना मिन तुर्किया अगला भी करना है हमने या कोई और करेगा? ये वाला कर ले आप कंप्लीट यार एक दफा आप दोनों। इस्मी खदीजा इस्मी अना मिन सूरिया अना सूरिया। नहीं अगर हम कहेंगे ना ये वही है जो है इसमें, अगर आप देखें अना मिन कहेंगे ना तो फिर वो डिफरेंट हो जाता है ना, जैसे अगर हम मीन है इसमें इस्मी खदीजा फिर उसके बाद है अना मिन सूरिया। एक में हे की आवाज आएगी आखिर में अलिफ की आवाज। बिल्कुल ठीक। मैं करता हूँ ये के बाद अली वाला। इस्मी अली अना पाकिस्तानी अना मिन पाकिस्तान। उसके बाद मैं वो कर रहा हूँ मैं मिस्री वाला। इस्मी अहमद अना मिस्री अना मिन मिस्र। ठीक है तो अब हम आगे वाली पे चलते हैं। ये मैं करूं? जी जी हाज़ा अखी
हुआ मुदर्रिस हाजा उख्त हुआ तबीबा हाजा सिद्दीक हुआ मुहंदिस हाजा सिद्दीका हुआ तालिबा हाजा अख हुआ मुदर्रिस हाजा अख हुआ तालिब। अच्छा इसमें अगर मेरा एक सवाल है कह रहा है अगर कोई जवाब दे सके हाजा यानी इसमें जो हम इशारा कर रहे हैं वो एक ही जो है वो फर्द की तरफ कर रहे हैं तो वो आई थिंक दिस वाला है लेकिन फिर उसके बाद हुआ मुदर्रिस हुआ आई थिंक दैट के लिए यूज होता है तो फिर एक ही सेंटेंस में जो है वो ये दिस ये के लिए नहीं आता कि ये एक टीचर है मतलब ये मेरा भाई है ये एक टीचर है हुआ जो हुआ? है वो ही के लिए इस्तेमाल करते हैं हिया शी के लिए होता है हाजा अखी दिस इज माय ब्रदर हुआ मुदरस ही इज ठीक है आप क्लियर है मुझे जज़ाकअल्लाह। अच्छा जैसे फिर हाजा हाजा ही जी ये आगे अख लिखा हुआ है इससे पहले अखी है अखी मतलब मेरा भाई और अख जी 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 अख जो है वो भाई है और अखी जब ये लग जाती है तो वो मेरा भाई जैसे उख्त जो है वो बहन है और उख्ती जो है वो मेरी बहन है तो हाजे ही उख्ती हिया तबीबा और फिर हाजा अखी अच्छा ये सदीक है सदीक मीन्स फ्रेंड सो हाजा सिद्दीकी ही इज माय फ्रेंड नहीं दिस इज माय फ्रेंड हुआ मुहंदिस हाजे ही सदीका हिया तालिबा अच्छा हिया आ जाएगा फीमेल के लिए जी हिया फीमेल हाज हिया तालिबा और फिर अख जो है वो फिर अखी बन जाएगा ना हाजा अखी हुआ तालिब ओके इसमें ये नहीं लगा जी इसकी किसी को और प्रैक्टिस करनी है या हम आगे चले जाएं हुआ तालिबा अच्छा मैं ही थोड़ा सा ये एक प्रैक्टिस करना चाहूंगा ये उख्ती की तो अभी इस तरह आप पे भी बात हुई तो ये हाजा उख्ती ही नहीं हाजे ही होगा ना क्योंकि फीमेल के लिए जी वेल डन माशाल्लाह हाजे ही सदीका और हिया तालिबा हाजा उख हुआ तालिब नहीं हाजा उख अगर हम करेंगे उख होता है ब्रदर तो अखी करेंगे तो वो माय ब्रदर हो जाएगा दिस इज माय ब्रदर हाजा अखी हुआ मुदर्रिस ठीक है जज़ाकर इसकी अगर हमने प्रैक्टिस किसी और नहीं करनी है या हम आगे चलें मेरा ख्याल कर लें थोड़ा सा ये थोड़ा सा ठीक ही है और भी मेरा ख्याल कर लें प्रैक्टिस की जाओ अभी हम वन बाय वन कर लेती हैं मैं शुरू कर लेती हूं इसको फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला आप कर लीजिएगा फिर इस तरह से हम टर्न बाय टर्न कर लेते हैं जी जी सो पहले हाजा अखी हुआ मुदर्रिस अहलन व सहलन कोई और कर ले अगला वाला उख्त वाला हाजे ही उख्ती हिया तैयबा तबीबा हिया तबीबा हाजा सिद्दीक हुआ मुहंदिस अच्छा सदीकी होगा ना सदीकी सदीकी हाजा सिद्दीकी हुआ मुहंदिस मैं कर लेती हूँ हाजा अख्ती
हुआ तालिब हाजी उख्ती हुआ तालिबा नहीं हाजी सिद्दीकी सिद्दीकती हुआ हिया तालिबा जी और ये लास्ट रह गया थोड़ा ना तालिब तो बहुत कंफ्यूजिंग है अच्छा क्या क्या कंफ्यूजिंग लग रहा है आपको बताएं ये जिस तरह से लिखा हुआ है और जिस तरह से सिलेक्शन है ना वो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज कर रहा है क्योंकि वो उन्होंने असल में एक सिर्फ आई थिंक एग्जांपल एक दी है exactly. और उसका मकसद यही है कि जो है वो हम जो है वो इस एग्जांपल को इस्तेमाल करते हैं वहाँ कुछ चेंज करें और कुछ बोलें जो है वो असल में हाँ बिल्कुल जो जैसे फीमेल के लिए हिया और उख्ती मेल के लिए हुआ और अख ये अगर याद रखें तो फिर वो करने में हाँ मुझे भी ये दुश्वारी हो रही थी मैं भी ये समझता हूँ कि अगर ये आज हम जो है वो क्लास के बाद इसको जो है वो हम इसको दोबारा कर लें इन सबके पास बुक्स मौजूद हैं तो मेरे ख्याल में मैं ये समझ रहा हूँ कि हमारे लिए जो है ये फ़ायदा होगा और ये जिस तरह ये जो उसूल अभी आए हैं कि ही होगा तो ये होगा और ही होगा तो ये होगा उसको थोड़ा सा एक पेज पर हम लिख के रिवाइज कर लें तो मुझे लग रहा है कि आज जो हमें मुश्किल हो रही है मुझे भी शुरू में काफी मुश्किल हो रही थी लेकिन आई थिंक हम ऐसा कर लें तो सबके लिए और आप भी कोई तजवीज दें कि और इसके अलावा और क्या हो सकता है कि हम जो है वो बल्कि जिससे अरबी में जो है ना कुछ वर्ड्स मेल होते हैं कुछ वर्ड्स जो हैं वो फीमेल होते हैं तो उसमें फिर देखना पड़ता है हाजा और हाजे ही जो है जैसे बैत जो है वो घर को कहते हैं तो उसके लिए क्या हाजा आएगा या हाजे ही तो ये हम सब सर्च कर सकते हैं कि कौन से मेल वर्ड्स हैं कौन से फीमेल जैसे सबूरातुन जो है जैसे जावेद साहब ने भी शेयर किया था तो अगर हम इसकी प्रैक्टिस कर लें तो आसान हो जाएगा इंशाल्लाह अगर और कोई मुश्किल आ रही है तो हम इसको दोबारा से कर लेते हैं अभी अच्छा मैं एक बात पूछना चाहूंगी क्या ये पीडीएफ फॉर्मेट में शेयर हुई है ग्रुप में क्योंकि मुझे दिख नहीं रही है क्योंकि सारी पिक्चर्स ही अपलोड हुई है अच्छा आज जो है ना उन्होंने आज जो हम लोगों ने लेसन प्रैक्टिस करना था वो उन्होंने पिक्चर्स की फॉर्म में भेजा है और बुक जो है वो मैंने लास्ट वीक में शेयर की थी पीडीएफ की फॉर्म में तो अगर आप ऊपर वाले मैसेजेस में जाएंगी तो आपको पूरी बुक जो है वो आप डाउनलोड कर सकती हैं अच्छा किसी और को प्रैक्टिस करना है इसको या फिर हम अगली स्लाइड पे जाएं जी अगले साइड पे चलते हैं मेरा ख्याल क्लियर हो गया अब हम प्रैक्टिस इंशाल्लाह आज कर लेंगे घर पे तो आई थिंक पक्का हो जाएगा सबक जी मेरे ख्याल से ही और शी का वो एक एक कम बना लें उसमें जैसे हाजा मेल के लिए हाजी ही फीमेल के लिए अख्ती तो इस तरह दो फिर हमको करने में आसानी रहेगी मेरे ख्याल से रहेगी ये सजेशन है बिल्कुल आपको याद हो गया बिल्कुल जबरदस्त ठीक है चलें जावेद साहब ये मैं और आप कर लेते हैं ये भी डायलॉग ही है तो मैं शुरू करती हूँ कैफा हालुका بخير والحمد لله ما جنسيتك انا باكستاني اهلا وسهلا چلیں جی اب کوئی سے دو لوگ آ جائیں اور جی میں آ جاتی ہوں اور آپ کے ساتھ اور کون مہینہ اچھا اور آپ کے ساتھ کون ہے مجھے اصل میں نام نظر نہیں آ رہے اچھا پولا بھی ہے ہمارے ساتھ अंजुमन आप सब लोग वापस आ गए अंजुमन भी हैं हमारी तो प्रैक्टिस खत्म होकर लीव आउट था तो मैंने तो लीव आउट कर लिया तो हम लोग तो मेन पेज में आ गए वापस ओके चलें हमारी अभी प्रैक्टिस चल रही है आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं हमें ज्वाइन मोइना के साथ कौन प्रैक्टिस करेगा इस वाले की तुर्किया और सूर्या की
जी मैं ज्वाइन कर लूं महेंद्र को। जी 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 वालेकुम अस्सलाम कैफ हालुका खैर व अल्हम्दुलिल्लाह मा जिन्सियतुका अना पाकिस्तानी अहलन व सहलन इद अब तुर्किया वाला कर अच्छा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम كيف حالك؟ بخير والحمد لله. ما جنسيتك؟ أنا باكستانية. يعني أنا تركية. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. ما جنسيتك؟ أنا سوري. اهلا وسهلا السلام عليكم وعليكم السلام كيف حالك بخير الحمد لله ما جنسيتك انا مصريه اهلا وسهلا السلام عليكم وعليكم السلام كيف حالك بخير والحمد لله ما جنسيتك انا تركي اهلا وسهلا جی اور کسی نے پریکٹس کرنی ہے کوئی سے دو لوگ اور یا ہم نیکسٹ پہ چلیں میں ٹرائی کروں جی جی کیجیے السلام علیکم آپ کے ساتھ پریکٹس کون کر رہا ہوں وعلیکم السلام كيف حالك؟ بخير والحمد لله. ما جنسيتك؟ أنا باكستاني. أهلا وسهلا. اب آپ کریں. اب آپ سٹارٹ کریں. یا میں دوبارہ کروں. अच्छा और कितने पेजेस रहते हैं हमारे देख लें आगे अगर जो बस ये रह गया तो जी बस ये रह गया तो हम अगले वाले पे चले जाते हैं फिर जी 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 मैं करता हूँ डॉक्टर साहब के साथ जी ठीक है जी आप कीजिए डॉक्टर साहब के साथ मस्त मौका मेरे खाले डॉक्टर साहब शायद चले गए और कोई कर ले जो है वो मेरे साथ ये नीचे नीचे से करना है तुर्की से शुरू करना है इकबाल पाकिस्तानी जो लिखा है जी जी वहां से बिल्कुल जी हाँ बिल्कुल मस्त मौका इसमें इकबाल मिन आईना अंता अना मिन पाकिस्तान هل انت تركي تركي لا انا باكستاني اهلا وسهلا ما اسمك سر جی جی سر سر سوری میں آپ کو بیچ میں کاٹ رہی ہوں جو ہمارے کو ماریا نے کروائی نا جب ہم لوگوں نے پہلا یہ کر لیا تھا جو لکھا ہوا ہے بلو میں اور یہ دوسرے عدد کلر میں اس کے بعد ہم نے پھر جو کنٹری نیم ہے نا फिर हमने अलग अलग पर्सन बनकर वही कंट्री का फिर हमने पाकिस्तान और अल हिंद नहीं बोला था हमने सूर्या तुर्किया मिस्रिया और फिर वो तुर्किया फिर से आ गया तो वैसे किया था क्योंकि ये काफी रिपीटेटिव है ना जी नहीं मैं समझा नहीं यानी अगर मैं नीचे वाला कर रहा हूँ इकबाल और पाकिस्तान तो मैं ये सपोज करूंगा ना मैं इकबाल हूँ और पाकिस्तान से तो जो उन्होंने सवाल किया कि आप तुर्की से हैं तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं हूँ तुर्की से मैं पाकिस्तान से हूँ जी 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 जो लिखा जी उनसे जी 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 ठीक ठीक थैंक यू सॉरी सर अब आप जी अनवर और सूर्या वाला आप क्वेश्चन करें जी अम्मा इस्मुक इस्मी अनवर
मीन आईना अंता अना मीन सूर्या हल अंता तुर्की ला अना सूरी अहलन व सहलन अब हम मिस्र वाला कहते हैं मस्मोका इस्मी सईद मिन आईना अंता अना मिन मिस्र हल अंता तुर्की ला अना अना मिस्री मिस्रिया बोलेंगे मिस्री बोलेंगे सर अगर अना हो गया तो अना मिस्रिया पर आप मेल हैं तो अना मिस्र अना मिस्री जी ठीक है तो ये लास्ट वाली रह गई है हमारी एक्सक्यूज मी हमारा खत्म हो गया तो हम लोग वापस सब मेन सेशन में आ जाए तो आप मेन सेशन में ही है जी अभी हूँ लेकिन बाकी लोग नहीं है ना हाँ जी जी अच्छा आप अपने रूम में जी 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 आ जाए मैं क्लोज कर देती हूँ रूम जी मैं कर दूँ ठीक है बंद हो रहे हैं ऑलरेडी ठीक है हमारा ये वाला रह गया लास्ट इसमें मोहम्मद जावेद साहब ये फिर कर लें हम जी तो मैं थोड़ा सा बता दें मैं समझ नहीं पाया सेक्शन कैसे करना है बस कर लेते हैं इंशाल्लाह ताला ये बदर है ना जी मारिया भी इधर ही है जी मारिया मुझे लगता है ये ऐसी कॉन्वर्सेशन है ये जी जी बताइए जी इसमें हमने मतलब इस वो सेम ही है कन्वर्सेशन फॉर एग्जांपल जो ब्लैंक है उसमें आपने अपना असली नाम डालना है या जो भी आपको फिल करना है तो कन्वर्सेशन ही है और फिर आपको यू पढ़ेंगे कि पहला इधर पढ़ेंगे फिर इधर पढ़ेंगे फिर इधर पढ़ेंगे अच्छा जैसे इस्मी आयशा ये कन्वर्सेशन नहीं है ये आप ऐसे ही बोल अच्छा प्रैक्टिस के लिए अपनी प्रैक्टिस के लिए ठीक है चलें ये तो फिर हम कुछ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं ठीक है ठीक है तो अब जो है मेन सेशन में हम सब लोग हैं अगर कोई हमारे पास 3-4 मिनट हैं अगर कोई क्वेश्चन किसी ब्रेकआउट रूम में ऐसा आया हो तो कर लें ताकि हम फिर मीटिंग जो है वो क्लोज कर दें नहीं बस एक चीज ये है कि हाजा हाजही और हिया और हुआ का थोड़ा सा हमारे वाले सेशन में था तो उसकी सब लोग जो है थोड़ी प्रैक्टिस कर लें और जो है जैसे इस्मी अखी कैसे है अख किसको कहते हैं इसकी अगर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें सब देख लें इसको अगले सेशन में आने से पहले ये थोड़ा पॉज ले लें जी हम बस सेशन जो है वो खत्म ही कर रहे हैं मैं एक एक लफ्ज मैं चंद अल्फाज बोलना चाहूंगा जी जी प्लीज सर पहले तो माजरत मैं आज पहले नहीं आ सका असल में मुझे वापस आते आते देर होगी रास्ते में दूसरी बात यह है कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कोई चीज़ भी करने के लिए आदमी को थोड़ा ज़िद्दी होना पड़ता है और उसको लग के वो जो है ना बहुत दफ़ा शैतान जो है उसको फुसलाता है और उसको थका देता है लेकिन मैंने देखा अगर आप थोड़ी सी इस्तकामत रखें तो अल्लाह फिर आगे आपके लिए काम आसान कर देते हैं अभी आपको लग रहा है थोड़ी सी मुश्किलें आ रही हैं इंशाल्लाह आप थोड़े दिनों बाद देखेंगे कि आप लोग जो हैं यहाँ पे भी जो आम हमारी गुफ्तगु है वो अरबी में हो जाएगी इंशाल्लाह ताला जिस तरह हम लर्न करें तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह जो है हमें इस्तकामत भी दे और हमें समझ भी दे और हमें अपने कलाम से जोड़ दे ये बहुत ज़रूरी है अल्लाह के कलाम के सिवा मैं नहीं देखता कि इस वक्त हमारे पास कोई रास्ता है प्लीज़ ठीक है फिर हम सेशन आज का क्लोज कर रहे हैं इंस्ट्रक्टर रात से गुजारिश है कि 5-7 मिनट के लिए वो रुक जाए अब बाकी जो है वो पार्टिसिपेंट्स जो है वो लीव कर दें प्लीज जज़ाकअल्लाह जज़ाकअल्लाह सर जज़ाकअल्लाह